आप देख पा रहे होंगे इसमें पूरे के पूरे 8 पोर्ट भर चुके हैं। अभी हमें इसमें नया प्लान करना पड़ेगा S2 लगाने का, तो हम नया एडिशन करेंगे जिससे कि और कस्टमर कनेक्ट हो पाए। अभी देख रहे होंगे आपके 8 पोर्ट हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 नवी पोर्ट में फिटर लगी हुई है हमारी जो कनेक्शन S1 से आ रहा है। तो ये पूरा भर चुका है हमारा S2, वो हम नया S2 इंस्टॉल करेंगे जिससे कि उधर पे, तो जिससे कि कनेक्शन हो पाए। ये सब घरों को कनेक्शन दी हुई है, इसको कहते हैं हम ड्रॉप केबल, जो ONT तक जाती है, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल कहते हैं जिसको हम, रिलायंस जियो लिखा हुआ है देख लीजिए आप। ये घरों में कनेक्ट की जाती है, सीधे ONT में कनेक्शन जाता है जिससे आपका ब्रॉडबैंड चलता है। और ये है फैट बॉक्स हमारा जो फुल है, अभी S2 भी फुल है इसमें। अब हम इसमें सेकेंड S2 लगाएंगे जो S1 से कनेक्ट होगा। आ गए हम दूसरे बेड में, इसमें आप देख सकते हैं इसमें 2 पोर्ट खाली है, मतलब 2 कनेक्शन लग सकते हैं इसमें, 1, 2 सेकेंड लास्ट के 2 पोर्ट खाली है तो 2 कनेक्शन लग सकते हैं अभी इसमें। इसी प्रकार हम आराम से चेक कर सकते हैं और सिस्टम में भी चेक हो पाता है। अगर हम सिस्टम में चेक करेंगे तो नेटवर्क पोर्टल में, तो उसमें हम चेक कर सकते हैं कि कितने कनेक्शन चल रहे हैं। अभी इसमें 6 कनेक्शन चल रहे हैं, 2 के लिए पोर्ट खाली है। इसमें भी हम अभी डबल S2 लगवाएंगे जिससे कि आगे कस्टमर आते हैं तो उसका कनेक्शन मिल जाए। ये हमारी ड्रॉप केबल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये नीचे से निकल रहे हैं ड्रॉप केबल और घरों में जा रहे हैं। ये आप पर ये हमारी 12 की केबल हो गई जो हमारा S2 कनेक्टेड है, जिससे ये जा रही है सीधे वो ऊपर लूप बन के सीधे S1 में जा रही है केबल, और जो ड्रॉप केबल जा रही है वो सीधे घरों में जा रही है। हमने नया S2 लगवा दिया है, अभी इसमें हमने नया S2 लगवा दिया है क्योंकि एक पोर्ट फुल हो चुके थे इसके, तो इससे कनेक्शन मिल जाएगा जो भी कनेक्शन लेना चाहेगा। अभी ये हमारा नया S2 है, इससे ब्रॉडबैंड कनेक्शन नए S1 से कनेक्ट करके कनेक्ट कर